दोस्तों, एक ट्रक चालक को सबसे ज्यादा परवाह अपनी गाड़ी के साथ साथ अपनी गाड़ी के डीजल और बैटरी की रहती है, क्योंकि कहीं भी वो गाड़ी खड़ी होती है आराम करने के लिए या सोने के लिए, तो इन दो चीजों पर सबसे पहले चोर हमला करते हैं। या यूं कहिए, यही दो चीजें हैं जो चोरों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती हैं। लेकिन आपकी गाड़ी में एक और बहुमूल्य चीज है जिसको लेकर आपको सजग और सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब उस पार्ट के लिए भी चोर सक्रिय हो गए हैं। जी हाँ, कौन सा वो पार्ट है, कितना बहुमूल्य है और कितना जरूरी है आपके लिए सतर्क रहना, जानेंगे आज के प्रोग्राम लॉरी में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉरी। दोस्तों, शायद आपने ये खबर तो सुनी होगी कि कुछ चोरों ने गाड़ी के साइलेंसर चोरी कर लिए। एक नहीं, दो नहीं, लगभग 33 गाड़ियों से साइलेंसर चुराए गए। अब आप सोच रहे होंगे, साइलेंसर क्यों चुरा लिए? बहुतों को तो हो सकता है मालूम हो, लेकिन बहुत से लोगों को ये जानना जरूरी है कि साइलेंसर में एक कैटेलिटिक कन्वर्टर होता है। आज इसी पर हम बात करेंगे। कैटेलिटिक कन्वर्टर, जी हाँ, ये कन्वर्टर अपने साथ बहुत सी कीमती चीजें लिए होते हैं, बहुत सी कीमती धातुएं इसमें होती हैं, जिसकी वजह से चोर इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। दरअसल हमारे साइलेंसर में ये कैटेलिटिक कन्वर्टर इसलिए लगा होता है ताकि अंदर से जो जहरीली गैसें निकलती हैं, जो वायु को प्रदूषित करती हैं और लोगों की सेहत को खराब करती हैं, उस जहरीली गैस को ये कन्वर्ट कर सके और उसके प्रभाव को कम करके बाहर हवा में निकाल सके या एग्जॉस्ट कर सके। बहुत तरह की जहरीली गैसें निकलती है जब गाड़ी का इंजन चलता है और उसके अंदर जब फ्यूल की बर्निंग होती है या फ्यूल जलता है, तो वो जहरीली गैस बनकर कैटेलिटिक कन्वर्टर से होते हुए साइलेंसर के जरिए बाहर निकलता है। लेकिन यही कैटेलिटिक कन्वर्टर अपने साथ खजाना बटोरे हुए है। इस कैटेलिटिक कन्वर्टर के अंदर प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम धातु होती है, जो कि सोने से भी महंगी होती है। जी हाँ, सोना यानी कि गोल्ड। हैरान हो गए ना सुनकर। प्लेटिनम का आप रेट मार्केट में जब पूछने जाएंगे तो आपके होश और भी उड़ जाएंगे और फिर आप सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा होता है। इन्हीं चीजों ने आकर्षित किया कुछ चोरों को, जिन्होंने मारुति कंपनी की इको वैन को टारगेट बनाया और 33 गाड़ियों से ये कैटेलिटिक कन्वर्टर उड़ा ले गए और लाखों रुपए एक हफ्ते के भीतर भीतर उन्होंने बना लिए। गुजरात की ये घटना है जहां पर ये वारदात एक हफ्ते के भीतर भीतर हुई, तो पुलिस के पास शिकायतें आने लगी। उसके बाद वो भी सक्रिय हुए और जब चोरों को पकड़ा गया तब उनके सामने ये बात खुली, उनके भी होश उड़ गए ये सब जानकर। आइए अब जान लेते हैं कि कैटेलिटिक कन्वर्टर में ये होता कहाँ है और किस तरह इसे निकाला जाता है। कैटेलिटिक कन्वर्टर में एक जाली नुमा चीज लगी होती है जिसे हनीकॉम्ब कहा जाता है। इसमें से जब इंजन फ्यूल धुआं बनकर निकलता है तो इस जाली में धुआं और मिट्टी फंस जाती है। इस जाली को निकाल कर उसे साफ किया जाता है, उसे मेल्ट किया जाता है। मेल्ट करने के बाद ये प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम निकलता है, जिसे मार्केट में बेचने पर अच्छा खासा पैसा मिलता है। लगभग हजारों में इसके दाम होते हैं और एक इको वैन के कैटेलिटिक कन्वर्टर की कीमत लगभग 57,000 रुपए बताई गई है। इतना कीमती। बताया जाता है कि गाड़ी में अन्य भागों के अलावा अगर कुछ कीमती चीज है तो वो ये कैटेलिटिक कन्वर्टर है। तो इस जानकारी के बाद जब आप जान ही गए हैं कि ये इतना कीमती है, तो थोड़ा सा और सतर्क और सजग हो जाएं। बाकी चीजों के अलावा आप अपने साइलेंसर और कैटेलिटिक कन्वर्टर का भी ख्याल रखें। हालांकि इसको निकालना इतना आसान नहीं है, लेकिन चोरों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपकी जागरूकता और सतर्कता ही इन चीजों को बचा सकती है। कैसा लगा आपको आज का ये एपिसोड, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ये जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Facebook और Twitter पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। हेलो, क्यों बार बार फोन कर रही है? तुम इतने परेशान क्यों? अरे स्टेट एंट्री पर फंसा हुआ हूँ, आज शाम को गाड़ी की इंश्योरेंस खत्म हो रही है, कल छुट्टी है, कोई एजेंट फोन नहीं उठा रहा, दिमाग खराब हो रखा है मेरा। रोज ट्रांसपोर्ट टीवी देखते हो ना, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से ले लो। अरे हाँ, ट्रांसपोर्ट मॉल, पर क्या वो छुट्टी वाले दिन बीमा देते हैं? ट्रांसपोर्ट मॉल वाले छुट्टी वाले दिन भी पॉलिसी देते हैं, बस RC और पॉलिसी की फोटो उनकी ऐप पर अपलोड करनी है। अभी मैं पता करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल से। आप तो बस घर आओ।
मैंने कोटेशन मंगवा भी ली है, वो भी सस्ते दाम पर। और पॉलिसी कैसे मिलेगी? पेमेंट करने के आधे घंटे में पॉलिसी तुम्हारे मोबाइल पर आ जाएगी। अच्छा, मेरी स्मार्ट बीवी, तो चल पेमेंट भी कर दे। कर दे नहीं, गूगल पे कर भी दिया। तूने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी है। चल मैं अब घर के लिए निकलता हूँ। हाँ आओ तुम, पॉलिसी आ गई है, भेज रही हूँ वो भी। तो दोस्तों आप भी स्मार्ट बनिए, गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।